मेरे प्यारे गाइस, हम वापस आ चुके हैं पबजी के न्यू गेम प्ले के साथ। ये गेम प्ले ना फुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो इस गेम प्ले में होता है वो किसी और गेम प्ले में हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये गेम प्ले कोई ऐसा है कि पूछो मत। गन मिलती है, स्कोप नहीं मिलता, स्कोप मिलता है गन नहीं मिलती। तो फाइनली हमें एक गन मिलती है टॉमी, और हमें चले जाते हैं। इस घर में बंदा दिखता है, लेकिन हम उसको मारेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे, क्योंकि मारने के लिए अकल चाहिए होती है, वो हमारे पास है। तो जो इधर देख रहे होते हैं, उतने में हम दास जी को निपटा कर आगे बढ़ते हैं। लूट ही रहे होते हैं कि चलो, तो इसके पास इतनी लूट तो है नहीं, तो चलते हैं। ओए बुढ़बक, कहाँ जा रहा है, सीधा चलना, क्या कर क्या रहा है तू अभी, चलो बढ़ते हैं आगे। तो गाड़ी तो हमें चाहिए होती है, क्योंकि गाड़ी इज बेस्ट थिंग टू विनिंग अ मैच। तो मैच के लिए गाड़ी तो चाहिए ही है, तो गाड़ी के लिए हम आगे चलते हैं स्टेडियम की तरफ, क्योंकि हमें पता है स्टेडियम में फुल लोकेशन है। हम स्टेडियम से गाड़ी लेकर आ ही रहे होते हैं कि भाई सड़क में बोर्ड चचा जी मिल जाते हैं। बोर्ड चचा जी को मारने के बाद ये बच जाते हैं। हमने कहा ठीक भाई, अभी तुमको हम ऐसा ग्रेनेड से मारेंगे कि तुम्हारी पॉटी निकलेगी एक टाइम से। तो हम फिर ग्रेनेड कर फेंक देते हैं। हमने कहा निकलो बाहर, या अगर ये बाहर निकल जाते हैं। हमने कहा लो कंटाप, मिलेंगे आपको लॉबी में, इसको लॉबी में पहुंचा देते हैं। हम जहाँ तपस्या करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होते बंदे, बंदे के लिए हमें तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो हजारों साल की तपस्या के बाद एक आदमी आता है जो हमें मार कर चला जाता है। कमाल की बात है, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तपस्या के बाद एक आदमी आता है, तो इसकी गन में पता नहीं कौन सा तेल लगा होता है, हम जी ऐसे मार रहा होता है, ऐसे मार रहा होता। मैंने कहा भाई मारोगे ध्यान दीजिए, मार कर ही छोड़ोगे अब हमें। तो ऊपर से जोन आ रही, मैंने कहा इस वक्त कोई बोट बूट आ गया तो हम तो चले, हम तो भगवान को बैर हो गए, हमारी जिंदगी तो नहीं बची। हमने कहा बैठो गाड़ी में और फुर्र कर कर निकल जाओ। एक जोन भी हमारे सिर्फ सामने आकर हो जाती है। हमने कहा ये कहा तू यार क्या कर रही है जोन, आजकल तू भी कम ही हो चुकी है, मुझे लगता है तेरा भी दिमाग छिटक गया है। तो बढ़ते हैं आगे, अभी क्या बोले, बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। हम यहाँ आते हैं तो वो ही हमारा पिछले मैच वाला हड्डी बड्डी इस मैच में भी आया होता, पहले तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन उसकी लोकेशन हम फाइंड कर लेते हैं। हमने कहा चलो बेटा रिफ्लेक्स एंगल से तुम्हें 90 डिग्री एंगल से नहीं मारेंगे, हम तुझे 130 डिग्री एंगल से मारेंगे, जिसके कारण तुम्हारा निकलगा पेट में बउआ। लेकिन हमने सोचा 90 डिग्री से मारेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से ग्रेनेड बहुत सीधा चलता है, तो हम सोचते हैं कि 90 डिग्री इज बेस्ट। तो हम 90 डिग्री से एंगल से थोड़ा सा ग्रेनेड लेते हैं और फेंक देते हैं। हमने कहा तेरी मौत पक्की, नोबिट तू तो गया, हड्डी सी तू तो गया, अभी तुम्हारी बत्ती सी निकाल दी, अब चलते हैं आगे, क्योंकि लूटने के लिए तो हम तैयार ही रहते हैं। तो जहाँ पर लगी हुई होती है बग्गी, यहाँ पर बग्गी लगी हुई होती है, मतलब उस घर में तो बंदा है। तो इस समय आप देखना कि बंदा कर क्या रहा था, जब मैं इसके पास जाता हूँ वो मेडिकेट लगाने लग जाता, क्या कर क्या रहा था बेकार। अभी देखना, अभी मैं इसके पास जाऊँगा, पहले तो गन थी हाथ में, फिर मेडिकेट ले ली, कर क्या रहा तू, क्या तकलीफ आ रही है तुझे, पेट पेट में बीमारी है, कीड़ा कूड़ा फोड़ा फोड़ा हो चुका है तुम्हारे, लगता पेट बहुत खराब है तुम्हारा। तो आखिरकार लास्ट वाला बंदा मिल जाता है हमें, और हमारा चिकन बिनर डिनर कुछ भी बोलो हो जाता है, आसानी से ही हो जाता है, कोई बार तकलीफ ही नहीं होती हमें। ऐसे बंदे को मारने के लिए बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इस बार हमें डक्का तकलीफ नहीं होती।